अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने घर में अपनी फैमिली में खुश और शाद आबाद होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद एक नया प्रोजेक्ट लेके हाज़िर हुई हूँ। उसकी मेन वजह यह थी कि एक तो ये जो मैंने जैकेट बनाई है, लेडीज़ जैकेट, वो काफ़ी बिग साइज़ की थी और जो पैटर्न भी कुछ ऐसा था कि इस पर काफ़ी हार्ड वर्क हुआ है मेरा। और ये पॉकेट के साथ मैंने लेडीज़ ऐसे ये देखें जैकेट बनाई है ये, और ये फिर इसका कॉलर है। ये मेरी एज की जो है उनके लिए आइडियल स्वेटर कह लें, कार्डिकल कह लें, जैकेट कह लें, ये होगा, क्योंकि हमारी उम्र में ज़रा सर्दी भी ज़्यादा लगती है। ये इसके स्लीव्स हैं। इसको बनाते हुए मैंने काफ़ी डिटेल से इसकी सारी की है रिकॉर्डिंग। उम्मीद करती हूँ जब आप ट्राई करोगे, इसको बनाओगे, तो आपको बनाने में मुश्किल नहीं होगी। फिर भी मैं आपकी इसकी आपको इसकी लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ, ताकि जब जब भी आप बनाना चाहो तो सबसे पहले आपने जिसके लिए बनानी है, अपने लिए बनानी है, अपनी अम्मी के लिए बनानी है, बड़ी सिस्टर, सास, किसी के लिए भी बनानी है, तो आप एक दफ़ा नाप लें कि उनको कितनी चौड़ी है, ठीक है ना, कितना उनको चौड़ाई चाहिए और ये कितनी लेंथ चाहिए। ये मैंने अपने हिसाब से बनाई है। ये वैसे आप अगर आप कह सको तो ये कैफे एक्स्ट्रा लार्ज टाइप है जैकेट बनाई है, ताकि सर्दी में बाहर अगर आप चाहो तो इसको इस्तेमाल कर सको। तो वैसे ये इस जैकेट को आप साड़ी पे भी पहन सकते हो, पंजाबी सूट पे भी पहन सकते हो, कोई भी ट्राउज़र भी पहन सकते हो। ये मैंने इस स्टाइल से बनाई है और मैं इसकी आप आपको बैक साइड भी दिखा देती हूँ। बैक साइड भी बिल्कुल उसी डिज़ाइन से है, ये देखें। ठीक, अब चले मैं आपको इसको माप के दिखाती हूँ। जी, अगर हम यहाँ से इस साइड से मैं इसको मापती हूँ तो यहाँ तक ये 23 इंच ये चौड़ी है और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, ये रिलैक्स फॉर्म में 23 है। ठीक, और आप देख ले, माप ले, क्योंकि जैकेट थोड़ी सी खुली ही अच्छी लगती है, क्योंकि समटाइम बहुत सर्दी में अगर बाहर जाओ तो आपने नीचे से कोई छोटा स्लीव या स्वेटर भी पहन सकते हो, तो वो तब भी इजी हो, खुली भी हो तो वो भी बुरी नहीं लगती। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ 26 इंच तकरीबन तैयार थी। अभी ये सिल के कुछ ऐसी हो गई है, थोड़ी सी लेस हो गई है, लेकिन 26 के हिसाब से मैंने बनाया था। अगर आपने अपनी देख लेनी है, माप लेनी है, अगर आप इसको 28-30 लंबी वाली जैकेट बनाना चाहते हो, ये तो लंबी नहीं है, तो आपने इसको इधर से इस साइड से लंबा करना है। लंबा कहाँ से करना है? यहाँ से शोल्डर की कटिंग से पहले आप इसको लंबा कर लें। ये इस वक्त अगर 16 इंच है तो आपने जितनी लंबी करनी है उतने इंच आप इसको बढ़ा लें। ठीक, और चौड़ाई का भी ये है, डिज़ाइन इस तरह का है ये, कि अगर आपका इसको बहुत स्मॉल साइज में बनानी है तो वो भी आप ऐसा कर सकते हो। जैसे ये मैंने स्टिच किया ना, ये डिज़ाइन जैसे मैंने आपको सिखाया, आप उसका इतना इतने आप उसको एक पैटर्न जो एक केबल है, अगर आप उसको लेस कर दें दोनों साइडों से, तो वो आप कह सकते हो, वो फिर दोनों साइडों से अगर लेस करें तो मैं आपको बता सकती हूँ कितने हो सकते हैं फिर इसकी। बैक से करते हैं, अगर आप दोनों साइडों से एक एक केबल को ऐसे यहाँ से लेस कर दें तो फिर तकरीबन ये 20 इंच, अगर आपको 20 इंच की छोटी स्मॉल साइज जैकेट बनानी है इस पैटर्न में, तो फिर आपने इसको एक एक पैटर्न इसका लेस करोगे तो ये 20 इंच तक यहाँ से चौड़ी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से 20 इंच तक यहाँ से चौड़ी, यहाँ से अगर मैं एक पैटर्न ये लेस करती हूँ, यहाँ स्टार्ट करती हूँ एक पैटर्न, ये देखिए ये 20 इंच तक तकरीबन 20 के करीब करीब बनेगी। ठीक, तो ये है स्मॉल साइज़ के लिए, तो इससे बिगर फिर एक एक आप पैटर्न और बढ़ा दें, तो बस इसी तरह के डिज़ाइन के हिसाब से इसकी करनी पड़ती हैं चेंजेस। उम्मीद करती, और बाजुओं का भी ये है कि जैसे मैंने आपको सिखाए हैं, अगर आप बाजू को उसी तरह सिलाई करोगे तो ये देखें जैसे दोनों साइडों से ऐसे सिलाई होती है, तो ये पहने हुए फिर अच्छे लगते हैं,
क्योंकि पैटर्न यहाँ से मैच हो रहा है। जैसे जैसे बाजुओं के स्टिचेस बढ़े उस तरह डिज़ाइन भी फिर बना और ये बढ़ता गया और सिलाई में कितने अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। आप ट्राई कीजिएगा, जैसे जैसे मैंने डिज़ाइन को फॉलो किया आप उसी तरह करें। और हाँ, एक बात जो मुझे करनी थी, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप जिस डिज़ाइन को लेती हो उसकी अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन पेपर या कुछ भी है तो वो हमारे साथ शेयर करें। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मैं खुद से कैलकुलेशन करती हूँ, मेरे पास कोई रिटर्न नहीं होता। ये मैंने खुद सोचा कि मैं ये डिज़ाइन डालूंगी जैकेट पे, फिर उसकी मैंने पूरी कैलकुलेशन की कि ये कितना मैं बैक रखूं, कितना फ्रंट रखूं, कितने स्लीव्स रखूं, ये सारी मेरी अपनी कैलकुलेशंस होती हैं और जो होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मेरे पास कुछ भी रिटर्न नहीं होता और इसलिए ऐसे ही जैसे ही मैं ये वाला प्रोजेक्ट बंद करूँगी और नया शुरू करूंगी तो ये मुझे साथ में सारा कुछ भूल जाएगा मैंने क्या किया है। और फिर जब मेरी बहनें कोई साल डेढ़ साल के पहले की मेरी चीज़ का मुझे पूछती हैं कि ये कर दे वो, तो मेरे सिरे से नहीं होता, तो उसको ये होता है कि फिर मैं खुद से दोबारा वीडियो देखती हूँ, देख के आप लोगों को गाइड करती हूँ। तो समटाइम अगर एक दिन में मेरे पास 3 या 4 इस तरह के कमेंट्स आ जाए और वीडियो देखें तो फिर मैं ये काम कब करूं। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट ये करती हूं कि अगर आपको कन्फ्यूजन होती है कुछ भी तो आप उसको 1 या 2 बार ज़रूर देखा करें, उम्मीद है कि आपकी कन्फ्यूजन वैसे ही दूर हो जाएगी। क्योंकि मैं पूरी कोशिश करती हूं मैं काफ़ी डिटेल से बता सकूं, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपको हर कमेंट्स को उसको देख के उसको फिर आपको जवाब देना कि इसकी बाजू की लेंथ कितनी बनी या ये कितना बना। क्योंकि समटाइम वो चीज़ मैंने गिफ्ट कर दी होती है, ना मेरे पास चीज़ पड़ी, वो स्वेटर पड़ा होता है, ना मेरे पास कोई रिटर्न पैटर्न होता है, तो मैं नहीं बता सकती। तो मैं उसके लिए अभी से आपसे माजरा चाहती हूँ। और बाजू भी बनाते हुए मैंने पूरी इसकी डिटेल में जितनी भी आपको कैलकुलेशन दी हुई है। और अगला क्वेश्चन होता है वूल का, कि वूल कितनी लगी। ये काफ़ी थिक था, इसको वूल काफ़ी, यानी कि डिज़ाइन कुछ ऐसा था, ये काफ़ी मोटा बना है तो इसको वूल काफ़ी ज़्यादा लगी है। यानी कि मैंने 7 बॉल मैंने 100 ग्राम के ये लिए थे और ये मेरे सारे यूज़ हो गए, सिर्फ इतना बचा है। यानी कि अगर आपने ये जैकेट बनानी है तो आपको 700 ग्राम वूल चाहिए, 700 ग्राम। लेकिन इसकी ये थोड़ी सी इतनी मोटी नहीं थी, थिन थी, तो इस वजह से भी ये थोड़ी सी ये पैटर्न मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको डाला, ये क्योंकि मुझे इस कलर के लिए अपने लिए जैकेट बनानी थी। और जहाँ तक यूजली मैं 4 mm की यूज़ करती हूँ उस नीडल, लेकिन ये बहुत, मैंने आपको कहा ना, ये थोड़ी सी कंपेरेटिवली बारीक वूल थी इस कलर में जो मुझे मिली, तो फिर उसके लिए मैंने जो सिलाई थी वो भी मैं 3.75 यूज़ की है, ये वरना मैं यूजली 4 mm साइज, ये और ये साइज़ 9 बनती है सिलाई, ठीक। यूजली मैं जब 4 यूज़ करती हूँ साइज़ 8 होती है, लेकिन इस दफ़ा मैंने थोड़ी सी 0.25 सिलाई लेस यूज़ की है। तो इससे अगर वो होती बड़ी सिलाई होती उससे भी फ़र्क नहीं पड़ना था, इससे ज़रा थोड़ी सी जैकेट टाइट सी बनती है तो अच्छी लगती है पहनी हुई, क्योंकि सही जैकेट का कंसेप्ट आता है। उम्मीद करती हूँ कि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होगी होगी जो जो मैंने बताया। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं कोशिश करूँगी उसका आंसर कर सकूँ। तो लेकिन अगर जो चीज़ मैंने ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है तो उसको मैं आंसर नहीं करूँगी। मैं आपको बताया ना, फिर मुझे काफ़ी टाइम लगता है, पहले मैं उसको देखती हूँ चीज़ को, फिर आपको जवाब देती हूँ, तो वो मेरे लिए मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो चले, अगर आपको मेरी जैकेट लेडी स्टाइल अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दें ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि आपको मेरी ये जो प्रोजेक्ट है पसंद आया है। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि आने वाले दिनों में मेरी और वीडियोस भी आप तक पहुंच सके। ओके, दुआओं में याद रखें। चले, मैं इसके बाद इसकी, मैंने इसको कैसे बनाया है, मैं उसको साथ ही इसके और अपलोड कर रही हूँ। जी, मैंने आपकी और अपनी सहूलत के लिए इसका जैकेट का फ्रंट एक पार्ट बना के रखा हुआ है, फ्रंट हाफ जो होता है ये, और ये मैंने इसकी पॉकेट बनाई हुई है जो कि अभी मैंने स्टिच नहीं की, ये सारा यहाँ तक, ताकि ये मैं इसलिए बना लेती हूँ ताकि आप लोगों को जब मैं बताऊँ समझाऊँ तो मुझे आसानी हो, ठीक है। और ये इसका, ये देखें, ये जो मैंने पॉकेट अभी सीनी है, बनाई हुई है, वो मैं आपको अभी साथ साथ बताती हूँ। इसके लिए मैंने 86 स्टिच डाले हैं जिसमें 3 में ये बना है,
सेवन स्टिच का ये है, फिर ये फोर में ये, फिर सेवन फोर सेवन फोर, ओनली इस साइड पे मैंने तीन डाले हैं, ठीक है ना, और बाकी यहाँ सेवन और ये टेन। आप ये मैं आपको लिख भी देती हूँ, ये देखें, ये मैंने 86 टोटल स्टिच डाले, साइड के तीन हुए, फिर सेवन की वो ये केबल फोर, फिर केबल फोर सीधे सीधे गैप के केबल, ये सारे ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन टाइम मेरी ऐसे केबल पड़ी है, जो कि मैं आपको अभी सिखाऊंगी, ये वाली केबल सेवन टाइम, ओके। और उसके बाद ये टेन जो है, ये टेन इस पट्टी के हैं, ओके। अब मैंने 86 स्टिच डालने के बाद मैंने बॉर्डर बहुत छोटा किया है, क्योंकि आपकी अपनी चॉइस है, आपने बड़ा करना है बड़ा कर ले। मैंने सिर्फ वन टू थ्री यानी कि सिक्स लाइनें ही डाली हैं बॉर्डर की, और उसके बाद मैंने इसको डिज़ाइन को शुरू कर दिया है। तो इसको एक साइड पे करने के बाद चले, ये देखें, यहाँ मैंने 86 स्टिच डाल लिए हैं। 86 डालने के बाद मैंने एक दो तीन सीधी सीधी छः सिलाइयाँ डाल ली हैं, ठीक है ना। ये मेरा फ्रंट है और ये मेरी बैक साइड है, यहाँ ऐसे डालने के बाद मैंने छः सिलाइयाँ डालेंगे। धागा मेरा अब इस वक्त ये फ्रंट है ना, तो इस बैक साइड पे है अभी। अब ये इस पे जो एक बात नोट करनी है वो ये कि ये देखिए सीधा पोर्शन ना, इसमें पट्टी इस साइड पे है, इसका मतलब यहाँ पट्टी इस साइड पे होगी, यहाँ मैं 10 यहाँ से छोड़ूंगी, ठीक, यहाँ पट्टी होगी। अभी यहाँ से जब हम उल्टी साइड पे हैं तो यहीं से हम इसकी डिज़ाइन के लिए पार्टिशनिंग कर लेते हैं। वो कैसे, पहले हम तीन यहाँ सीधे बनाएंगे, दो तीन मैंने सीधे कर लिए, अब सात जो है वो इधर मेरे उल्टे बनेंगे, जो यहाँ सीधे हो जाएंगे उस पर केबल पड़ेगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। फिर आपने वन टू थ्री फोर सीधे, सेवन उल्टे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, अब फिर फोर, वन टू थ्री फोर सेवन, फिर उल्टे, ओके, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। ये मैंने सारे इसी तरह सेवन फोर फोर करके ना इसको कर लिया, और ये मेरे एंड के 10 बज गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन मेरे बटन पट्टी के हैं, जो कि मैं सीधे सीधे ही बनाऊंगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन, ओके। ये मेरे बटन पट्टी के हो गए। अब मैं आ गई हूँ फ्रंट साइड पे। अब मुझे 10 जो बटन पट्टी हैं वो तो वैसे ही बनाने हैं, लेकिन यहाँ मुझे एक बटन होल भी बनाना है, क्योंकि इस साइड पे मैंने बटन लगाने थे तो कोई होल नहीं बनाए। बटन होल के लिए सिंपल, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बड़े बटन नहीं लगाने होते, तो मैं सादा ही बना लेती हूँ, वन ऐसे टू थ्री फोर फाइव बनाने के बाद मैं धागा आगे करूँगी, फिर दो को एक बना लूँगी, ओके, दो, ये देखिए, दो चार छः आठ दस, ये मेरे बटन हो गए, ठीक है ना। बट उसके अब मुझे क्या करना है, एक केबल का डिज़ाइन डालना है, ये केबल जो साथ में पड़ी हुई है, उसके लिए हमने ये करना है, ये जो मेरे सात स्टिच है उसके मैंने दो स्टिच वैसे ही बना लिए सीधे, ये जो थर्ड स्टिच है उसको मैंने बनाया, लीव नहीं किया, धागा आगे किया, फिर मैंने ऐसे बना लिया, एक के तीन कर लिए, ठीक। और ये जो ये वाला, फिर उसके बाद मैंने वैसे ही उठा लिया, उठाने के बाद अब अगला मैंने फिर एक के तीन बनाया, धागा छोड़ा नहीं, लीव नहीं किया, धागा योन ओवर कर ली, सिलाई से फिर बना लिया, तो फिर ये
तीन टाइम हो गया ओके। करने के बाद ये जो दो फिर मैं वैसे ही बना लूँगी, यानी कि 7 स्टिचेस का मैंने ये किया कि पहले दो मैंने सीधे वैसे ही बना लिए, एक का तीन किया, मिडल वाला मैंने बगैर बनाए वैसे ही उठा लिया, फिर एक के तीन, इस मिडल के दरमियान मैंने तीन तीन करने के बाद साइडों पे दो दो वैसे सादी बना लिए, और फिर अगला चार मुझे 1, 2, 3, 4 जो है वो मुझे सीधे ही बनाने थे। अब फिर 7 की केबल है, उसमें उसी तरह दो मैं पहले वैसे ही बना लूँगी, ये मैंने बनाया, यॉन मैंने ओवर की, फिर एक बना लिया, तीन हो गए, इसको मैंने वैसे ही उठा लिया, फिर मैंने बनाया, यॉन ओवर की, फिर इसको बना लिया ओके। बनाने के बाद दो मैंने वैसे ही बना लिए। इसी तरह हमने ये मैंने सारी जो केबल है इसी तरह बना लेनी है, ये सिलाई चार जो सीधे हैं वो वैसे सीधे डलेंगे। अब फिर ये केबल आ रही है, उसी तरह मैं केबल को बनाऊंगी जी। ये मैंने सारी सिलाई इसी तरह कंप्लीट कर ली है, ठीक है ना। अब रॉन्ग सिलाई पे हमने ये करना है, मैंने ये पहले एंड वाले मेरे ऐसे तीन सीधे थे, ठीक। करने के बाद ये जो मेरे 7 केबल के हैं उनमें दो जो मेरे सीधे थे वो इस साइड पे मैं उल्टे बनाऊंगी, और ये जो एक का तीन बनाया था वो मैं ऐसे ही पिक कर लूँगी, विदाउट बनाए मैं इस पे शिफ्ट कर लूँगी, ठीक। और ये जो ये एक है ये फिर उसे उल्टा बनेगा, इस तीन को मैं इधर ऐसे ही शिफ्ट कर लिया, फिर 1, 2 मेरे उल्टे हो गए, ठीक। धागा पीछे, ये जो 4 दरमियान के हैं वो हर दफ़ा सीधी और उल्टी दोनों रो में दोनों सिलाइयों में सीधे ही जाने हैं। अब फिर दो मेरे 1 और 2 उल्टे, ये मैंने विदाउट ऐसे शिफ्ट करना है, और ये ऐसे बनाया, इसको फिर मैं ऐसे शिफ्ट करूँगी, ठीक। और ये मैं ऐसे बनाऊँगी, करने के बाद फिर 1, 2, 3 और 4 ओके ओके। और ये फिर इसी तरह ये मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी, ये सारी सिलाई मैं इसी तरह इसको सारी को कंप्लीट मैंने पूरी कंप्लीट कर ली। अब अगली सिलाई में हम ये करेंगे, जो पट्टी के 10 हैं वो तो मैं ऐसे ही बनाऊँगी, 2, 3, 4 ये। अब गौर से देखें, इन तीन को मैंने 1, 2 और 3 ये तीन मैंने इधर शिफ्ट किए। करने के बाद इसको थोड़ा सा हाथ से ऐसे प्रेस करोगे बैक से, ये पहले वाले दो जो हैं वो मैं ऐसे पिक करूँगी। करने के बाद इसको हल्के हाथ से लीव करने के बाद दोबारा इन तीन को मैं पिक करके इस सिलाई पे ले आऊँगी। करने के बाद फिर मैंने इसके ऐसे एक बना लिया, तो इस तरह केबल ये वाला इधर को रुख हो गया, ठीक। अब ये वाला तो मीटर वाला हर दफ़ा सीधी सिलाई पे वैसे ही उठाना है, ठीक। अब फिर ये तीन को मैंने पिक किए स्टिचेस को, ये पहले वाले को मैंने फ्रंट से इस सिलाई में पिक करने के बाद लीव किया, और बैक से ये दो मैं उठा लू के इधर शिफ्ट किए और इसको बना लिया। इस तरह मेरी एक दफ़ा जो केबल है वो ऐसे इधर शिफ्ट हो गई। इसी तरह फिर मैंने ये 4 तो दरमियान के वैसे ही बनाने हैं, 3 और 4 बनाने के बाद अगली केबल में से मैंने तीन जो पहले दो जो मैंने वैसे ही बनाए थे और ये जो एक का तीन बनाया वो ये पिक किए, बैक से मैंने दो को उठाया, इनको लीव करने के बाद इनको फिर वापस मैंने इधर शिफ्ट किया और इसको बना लिया, 1, 2 और 3 ठीक। और ये इस तरह वैसे ही उठा लिया गया। अब फिर इसको मैं ऐसे फ्रंट से पिक किए, दो लीव किए, इस तरह ये सारी केबल मुझे इसी तरह बनाते जाना है, जैसे मैं आपको इस पे दिखाती हूँ, ये देखिए ये ऐसे इस तरह केबल ये इधर उधर शिफ्ट होके बनेगी। केबल कह लें या डिज़ाइन कह लें, केबल को जब भी ऐसे होता है ओवर करते हैं तो केबल कहने लग जाते हैं। फिर इसी तरह 4 वो नेक्स्ट, फिर उसी तरह करने के बाद 4, उसके बाद फिर मैंने ऐसे उठाए
पीछे से मैं इसके दो उठाऊंगी, उठा के ये लीव कर दूंगी। इसको फिर हल्के हाथ में वापस उठाने के बाद ये ऐसे बना लिए, ये मैंने वैसे ही पिक कर लिया। अब ये बोल क्यों ऐसे, अब ये तीनों पिक किए, यहाँ फ्रंट से ये वाला मैं उठाऊंगी लीव करूंगी, बैक से उठाऊंगी और ये इसी तरह, ये मैं पूरी रो सारी रो इसी तरह केबल को इसी तरह बना के और बाकी सीधे बना के इसको ख़त्म कर दी। ये देखे मैंने सारी सिलाई डालने के बाद, जब उल्टी सिलाई पे होते हैं उस पर कुछ भी नहीं करना, उसमें वो जो केबल के सेवन है वो सेवन ही बनेंगे। ये ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये उल्टे होंगे, 4 सीधे 7 उल्टे, 4 सीधे, इसी तरह 4 सिलाई कंप्लीट हो जानी है। और ये 4 सिलाइयों में ये पैटर्न कंप्लीट होके दोबारा रिपीट होता है। अब मैं फिर केबल के 7 बना रही हूँ, ठीक। और ये मेरी बटन पट्टी 1, 2 ऐसे, ये सारी ऐसे 4 सिलाई होगी। अब फिर के पैटर्न ने रिपीट होना है। ये बनने के बाद अब ये केबल के आगे 7 है, उन्होंने इसने उसी तरह दोबारा 2 मैं वैसे ही बनाऊंगी और 3rd को मैं 1 का 3 कर लूंगी। ये वैसे ही पिक हो जाएगा 1 का 3, इसी तरह फिर एंड पे 2, इसी तरह ये पैटर्न रिपीट होना शुरू हो जाएगा। सारी मैं इसी तरह रो डाल, देखिए मैंने पूरी सिलाई डाल ली। अब रॉन्ग साइड भी हमने वैसे ही जो मैंने बताया था आपको, ये साइड वाले तो खैर 3 वैसे ही बनेंगे, ये 2 उल्टे बनेंगे इसके। और ये जो मैंने 1 का 3 किया उसको मैं ऐसे पिक करने के बाद इनको बनाऊंगी, इसको विदाउट बनाए ऐसे इधर शिफ्ट करूंगी और ये पूरी रो मैं इसी तरह कंप्लीट करूंगी। जी वो मैंने सारी कंप्लीट कर ली है। अब फिर उसी तरह हमने केबल को बनाना है, 3 को मैंने इधर शिफ्ट कर इधर किए, बैक से मैंने 2 पिक कर लिए, करने के बाद लीव करने के बाद इनको मैंने इसको ऐसे बना लिया। हर इसी तरह ये 4 सिलाइयों में ये पैटर्न कंप्लीट होता है। ये मेरी इस पैटर्न की 3rd सिलाई है और 4th सिलाई फिर उसी तरह जो सीधे हैं वो सीधे बनेंगे, जो उल्टे हैं वो उल्टे बनेंगे, तो ये फिर रिपीट हो जाएगा। इसी तरह मैं इसको ऐसे, ये देखें ऐसे, ये 2 टाइम हो गया और वापसी पे वो सिर्फ उल्टे ही बनेंगे और ये जो सीधे हैं वो सीधे। इसी तरह मैं ये सारी केबल को बनाने के बाद नेक्स्ट सिलाई पे उल्टे सीधे उसी तरह बनाते चली जाऊंगी और ये मैं यहाँ तक इतना बनाऊंगी, ये सारी केबल मैं यहाँ इतनी केबल तक बनाने के बाद इसको पॉकेट बनाऊंगी। अभी तो आप इसी तरह सीधा सीधा बनाते चले जाएंगे। ये देखें मैंने ये बनाते बनाते यहाँ तक बना लिया है और ये तकरीबन यहाँ तक, ये 8 इंच तक इसकी लेंथ हुई है। तो जब ये 7.5 पे थी तकरीबन, तो ये मैंने पॉकेट के लिए इसको ऐसे सीधी सीधी डालना शुरू कर दी थी और ये पट्टी में हर 19 के बाद मैंने एक बटन होल दोबारा बना लिया, यानी आप कह सकते हैं 3.5 इंच के गैप पे तकरीबन ये एक बटन होल भी बना है, ठीक है। और यहाँ ये था, ये देखिए जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने यहाँ थोड़ी सी ये पॉकेट को प्रोमिनेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 लाइनें बना ली थी। जब मैंने यहाँ ये आपको दिखाती हूँ कितने टाइम ये मैंने केबल ट्विस्ट कर ली थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 टाइम जब मैंने की, तो फिर उसके बाद मैंने इसको इनको सीधा बनाना शुरू कर दिया। सारों को सीधा नहीं बनाया, ये साइड ऐसे ही है, ठीक।
ये भी ऐसे ही है। यहाँ मैंने ये किया था कि 33 मिडल का, यहाँ से ये देखें, यहाँ से मैंने 23 स्टिच किए, फिर 33 हुए और इधर से 20 हुए। तो ये इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मैंने ये इनको बनाया। ये देखें यहाँ 10, मैं आपको लिख के देती हूँ, 10 मेरे पट्टी के थे। उसके बाद मैंने यहाँ से लिख के यहाँ तक 20 स्टिचेस, 7, 7, 14 और 2, 6, 20 स्टिचेस को मैंने साइड पे वैसे ही रहने दिया। दरमियान में 33 स्टिच की मेरी पॉकेट हुई, फिर साइड पे 23 ये साइड पे बचे। तो इस तरह ये टोटल अगर आप करोगे तो ये टोटल 86 बनेंगे। ये 23, 33, 20 एंड 10, 6 ये हो गया, 5, 6, 7 एंड 8, 86। इस तरह मैंने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। अभी मैं धागा, ये मेरा रॉन्ग साइड पे है, ओके। अब मैं ये करूँगी, यहाँ से 23 जो मेरे स्टिच हैं वो मैं वैसे ही बना लूँगी, 1, 2, 3 डिज़ाइन के हिसाब से। अब डिज़ाइन यहाँ पे मेरे 7 केबल के, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23। ये मेरे 23 स्टिचेस ऐसे ही हो गए, ऐसे करके 1, 2, 3 ऐसे सारे मैं 23 तक बंद करती हूँ। बहुत ना बहुत टाइट ना बहुत लूज, बस मीडियम हाथ में आपने इसको बंद कर देना है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैं 33 स्टिचेस को बंद कर चुकी हूँ। ये देखें पॉकेट के लिए, ठीक, ये अब मैं ये वाले स्टिच वैसे ही बना लूँगी डिज़ाइन के हिसाब से। जहाँ डिज़ाइन में सीधे डालने हैं वो सीधे डालूँगी, जहाँ उल्टे आने हैं वो मैं उल्टे डालूँगी। और एंड की पट्टी के तो ये मेरे यहाँ 7 उल्टे होंगे, फिर 4 सीधे, 7 उल्टे और ये पट्टी के 10 सीधे बनाती हूँ। ये देखें मैंने सारी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब ये क्या किया है कि मैंने एक सेपरेट सिलाई पे ये 33 मैंने 33 थे ना 33 स्टिच डाले, और उसका मैं इतना पोर्शन तो मैंने सादा सादा बना लिया और उसके ऊपर मैंने डिज़ाइन डाल लिया। ज़रूरी नहीं होता आप सारा भी सादा बना सकते हो, लेकिन मुझे ये होता है कि जब ये देखें ऐसे पॉकेट को अब जब सीते हो, जब खोलो तो तब भी अंदर से थोड़ा सा डिज़ाइन ही नज़र आता है ना इसकी, वरना यहाँ से सीधा सीधा नज़र आएगा, बुरा तो वो भी नहीं लगेगा। लेकिन बस मैंने इसको इस तरह कर लिया है, 33 स्टिच डालने के बाद मैंने इसको 1/2 इंच की ये पॉकेट बनाई है। उसमें ये आप कह लें कि मैंने तकरीबन 1/2-3 इंच की सादा पोर्शन बनाने के बाद फिर ऊपर से 2 इंच का मैंने केबल पोर्शन बना लिया, यानी कि 1, 2, 3, 4 टाइम केबल डिज़ाइन पड़ गया, ये वाला डिज़ाइन पड़ गया, ठीक है। इस तरह बनाने के बाद अब ये मैं करूँगी कि यहाँ से जब मैं यहाँ आऊँगी तो इनके साथ इसको दोबारा हम बनाना शुरू कर देंगे, तो हमारी पॉकेट इसके साथ ज्वाइन हो जाएगी, जो कि बाद में हम सी लेंगे अंदर की साइड से। अभी मैंने ये पट्टी के वैसे ही बना लिए हैं 10। अब यहाँ से मेरा पैटर्न दोबारा शुरू होना है वो उसी तरह जैसे मैंने आपको सिखाया है, 1, 2 आप ऐसे बनाओगे, उसके बाद जब थर्ड वाला होगा तो उसको यॉर्न ओवर करने के बाद इस तरह 3 कर लोगे, फिर ये वैसे ही स्किप होगा, ये ऐसे ऐसे, और ये 2, अगली 4 वैसे ही। इसी तरह मैं यहाँ डाल के जब यहाँ आऊँगी तो इसके साथ इसी तरह डिज़ाइन को बनाना शुरू कर दी। ये देखिए डालने के बाद अब मैं पॉकेट को साथ ज्वाइन करने लगी हूँ। हाँ, पॉकेट का आपने ये जब ये पैटर्न शुरू करो तो ये आपने ख्याल ज़रूर रखना है कि आपने इस तरह इस डिज़ाइन को डालना है कि जब आप यहाँ फिर बनाओगे तो वो मैच करेगा। यहाँ पर ये देखें जो मिडल के 4 होते हैं, यहाँ मेरे 2 थे, तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने यहाँ फिर 2 सीधे रखे
उसके बाद ये केबल किया और इसी तरह इस केबल के बाद यहाँ दो है और इधर भी ये दो है, तो जो जब दोनों ये दोनों ऐड होंगे तो ये चार इस तरफ और चार इस तरफ हो जाएंगे और ये डिज़ाइन बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जाएगा। जब अगर आपने डिज़ाइन को केयर कर डाल जहाँ जब भी आप पॉकेट बनाओ तो ये आपस में ख्याल करो कि जब आप ऊपर जाके डिज़ाइन को जोड़ो तो वो एक दूसरे के साथ अलाइन हो। अब मैंने ये वन एंड टू इसको मैं बाद में टाइटन करके सी लूँगी, ठीक है ना। अब फिर यहाँ से पैटर्न शुरू होने लगा है, दो ऐसे करूँगी है। इसी तरह मैं ये सारा बनाने के बाद जब ये ख़त्म हो गया उसके साथ ही बना के इसको पॉकेट को ज्वाइन कर लूँगी जी। ये देखें जी, मेरी यहाँ पॉकेट ज्वाइन हो गई है जो कि इधर से बाद में सिल जाएगी एंड पे। अभी भी सी सकते हो लेकिन हम जब सारी सिलाई करेंगे उसी वक्त भी कर सकते हैं ये। और इस अब मैं इसी तरह ये देखें ये पैटर्न इसके ऊपर आ गया है, इसी तरह इसको बनाना शुरू कर दूंगी। ये तो अभी तक जैसे मैंने बताया ये 8 इंच तक अभी मेरा बना हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ तक मैं बनाऊंगी तो फिर हम शोल्डर की कटिंग शुरू करेंगे। हम यहाँ से अगर मैं इसको पकड़ के इसको मेजरमेंट करूँ तो ये 16 इंच तक मैंने बना के 16 इंच तक बना के तो फिर हमने शोल्डर की कटिंग करनी है। अभी 8 इंच हुआ है तो 8 आपने और बनाना है तो फिर हम ये ऐसे शोल्डर की कटिंग और बाद में इसके लिए जो कॉलर के लिए नेक बनानी है उसकी कटिंग करेंगे जी। इसकी रिक्वायर लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखे ये 16 इंच तकरीबन हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ से मैंने उनके वही 19 के बाद यहाँ 3/2 इंच के बाद मैंने इनके बटन होल भी बना लिए हैं यहाँ से 3/2 तकरीबन इंच 19 के बाद। यहाँ के लिए स्लीव के लिए कटिंग करनी है, ठीक है, इस साइड पे ये क्योंकि और जिस साइड पे आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ मैंने कैसे कटिंग की है। यहाँ पहले मैंने 4 कट किए थे फिर 3, 2, 1, 1, 1 करने के बाद इस तरह मैंने टोटल 17 कम किए। मैं आपको यहाँ ऐसे लिख भी पहले मैंने 4 कम किए फिर मैंने 3 कम किए फिर मैंने 2 कम किए फिर 1 पेन को कुछ हो गया फिर मैंने ऐसे 1, 2, 4, 5, 6 टाइम मैंने 1 ओनली कम किया फिर इस दफ़ा मैंने कोई काम नहीं किया फिर मैंने 1 काम कर दिया फिर 1 एंड 2 के बाद 2-4 सिलाइयाँ डालने के बाद फिर मैंने 1 काम कर दिया और इस तरह मेरा ये कितने हो गए 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये टोटल मैंने 17 स्टिच यहाँ पे काम करने हैं। अभी आप देखें कि मैं इधर क्योंकि यहाँ मेरी बटन पट्टी है तो यहाँ मैं इधर से इसके 4 काम करूँगी पहले फिर मैं 3 करूँगी फिर मैं 1-1 करके ऐसे टोटल इसको काम करती जाऊँगी। बस सिंपल मैंने ऐसे 1, 2, 3 एंड 4 ये मेरे इस तरह मैंने कम कर लिए। बाकी सिलाई मैं वैसे ही डालती हूँ, ठीक है, इसको मैं वैसे पिक डिज़ाइन के हिसाब से मुझे वैसे ही बनानी है। नेक्स्ट टाइम फिर मैं इस तरह 3 कर लूँगी करते करते और साथ साथ आपने इस साइड पे ये बटन पट्टी के जब टाइम आएगा तो इसको बटन होल भी बनाना है। आपने यहाँ से माप तो लिया 16 इंच साथ साथ आप ऐसा किया करें पैटर्न जरूर गिन लिया करें। समटाइम वो ऐसे खींचा होता है तो फरमाइश में कमी बेशी हो जाती है पैटर्न से। जो अगर आपका पैटर्न है या कोई भी डिज़ाइन है जैसे कोई और भी अगर सीधा और जैसे भी है तो उसकी सिलाइयाँ गिन लें, ठीक है ना। यहाँ मैंने कितने टाइम रिपीट हुआ मेरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 यानी कि 35 दफ़ा मैंने इस पैटर्न को रिपीट किया है तो ये 16 इंच बन गया है। तो अब मैंने इसकी कटिंग शुरू कर दिया। पहले मैंने 4 कम कर लिए हैं अब मैं 3 करूँगी फिर 2, फिर 1, 1 और इस तरह। जब हम इतना बना लेंगे
तो फिर मुझे इसके लिए इसकी शोल्डर की, ये तो मुझे स्लीव्स के लिए कटिंग शुरू की है ना, तो फिर मैं यहाँ नेक के लिए कटिंग शुरू करूँगी। जब मेरा यहाँ देखिए ये स्लीव्स की कटिंग है, जब मेरा यहाँ तक, मैं यहाँ से ये 4 3 2 1 1 1 सिक्स टाइम और फिर एक दफ़ा कुछ भी नहीं, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया था उस तरह ये काम करती आ गई हूँ। आने के बाद मैंने यहाँ तक बना लिया है। अगर आप काउंट करो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 टाइम ये इस तरह ये मेरी सिलाइयाँ पड़ चुकी हैं। और इधर से यहाँ तक अगर मैं यहाँ से, अब मुझे नेक के लिए कटिंग करनी है, अगर आप यहाँ से देखते हो तो यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 21 इंच तक ये बन चुका है, ठीक है। और अगर आप ये पैटर्न काउंट करते हो ये वाले 1 2 3 करके, तो ये 48 टाइम पैटर्न, ऐसे ये वाला, ये 48 टाइम पैटर्न बन चुके हैं 48 टाइम्स, ठीक। अब हमने यहाँ से नेक की कटिंग करनी है। ये 17 मैंने इधर से कम कर लिए हैं, 17। नेक की कटिंग के लिए ये है कि मैं ये वाला कम कर चुकी हूँ पहले। पहले मैंने पूरे 10 कम कर दिए थे पट्टी के, फिर मैंने 4 3 2 फिर हर एक पे एक एक, इस पे करते करते एंड तक, यहाँ तक मैंने कम किए थे। और ये मैंने 38, ये मेरा मैंने 38 इसको लीव करने हैं, 38 मैंने लीव किए। और यहाँ से मैं गला बनाऊंगी, उसके पहले मैंने 10 कम कर दिए, फिर मैं सॉरी 4 कम करूँगी, फिर मैं 3 कम करूँगी, फिर 2 कम करूँगी, फिर 1 1 करके एवरी सिलाई पे कम करती जाऊँगी एंड तक, जब तक ये 38 नहीं रहते, ठीक है ना। इस वाले से सबसे पहले मैं 10 कम करूँगी और बाकी सिलाई मैं ऐसे और हाँ, यहाँ से मैंने हर 19 के बाद मैंने इसका किया था, लेकिन यहाँ पे मुझे 18 पे करना पड़ा क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ लेस हो रहा था, तो मैंने एक सिलाई कम कर लिया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता दूसरे। अब मैंने इसको 10 को वैसे ही बंद कर देना है पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब बाकी सिलाई मैंने उसी तरह पैटर्न के हिसाब से डालनी है। जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं 4 कर दूँगी। इस तरह करते करते मैं ये इसको बनाते चली जाऊँगी और ये मेरी ऐसे हो जाएगी। जब मेरा 38 रह जाएंगे तो फिर मैं इसको सारों को बंद कर दूँगी जी। ये मैंने 10 10 किए, 4 किए, 3 किए, 2 और 1 करने के बाद अब मैं ये करूँगी कि हर सिलाई पे एक एक कम करती जाऊँगी, 12 ऐसे 12 स्टिच में ऐसे एक एक सिलाई करती जाऊँगी, तो मेरे यहाँ 38 रह जाएंगे जो कि मेरा शोल्डर होगा, ठीक है। अब इसी तरह पैटर्न को साथ चलते हुए हर सिलाई पे एक एक, हर सीधी सिलाई पे, जब आप यहाँ सीधे पे आओ तो उस पर एक कम करते जाएं, जैसे एक कम हो गया। अब मैं ये सारी सिलाई ऐसे डाल लूँगी, फिर वापस जब दोबारा यहाँ पे आऊँगी फिर एक कम कर लूँगी। इसी तरह मुझे 12 सिलाइयाँ डालनी है जी। ये देखिए मैंने सारे इस तरह कम करते करते ऐसे इसको फिर यहाँ बंद कर लिया है। अब इसकी टोटल लेंथ हो चुकी है, यहाँ से अगर मैं यहाँ से शुरू करती हूँ इधर से, टोटल लेंथ इसकी 26, ठीक 26 इंचीज की लेंथ हो चुकी है। अब ये मेरे दो, देखे दो पैनल तो ये बन गए, एक ये मैंने जो पहले बना लिया था फ्रंट का और एक ये। अब हमने इनकी पॉकेट को ऐसे आपस में सी लेना है ऐसे। उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि सीने के लिए आपने इस पॉकेट को ऐसे सीधा करो, करने के बाद यहाँ पे यहाँ आपने इधर एक सेफ्टी पिन लगा लेनी है, यहाँ ठीक, यहाँ आप सेफ्टी पिन लगा लें ताकि बंद कर लें इसको, ठीक। करने के बाद अब जब इधर आओगे
तो यहाँ भी आप एक सेफ्टी पिन लगा लें यहाँ, लेकिन ख्याल कीजिएगा यहाँ जो सीधा सीधा ही इसको आए। और फिर ये जो दो धागे मेरे बचे हुए हैं, एक यहाँ से यहाँ से और एक इधर से, इनके साथ मैं इनको सी लूँगी, इन दोनों को ऐसे मैं यहाँ भी लगा लेती हूँ, और फिर मैं इधर से पकड़ के ऐसे इनको इनको ऐसे सी लूँगी, और ये मेरी पॉकेट ऐसे ऐसे देखें सिल जाएगी। ठीक, ये मैंने सुई में धागा डाल दिया है, बस आपने यहाँ से एक दो दफ़ा ऐसे ने, और ये सीधा इस जितना पैटर्न है उस हिसाब से बस एक दफ़ा इधर से और एक दफ़ा इधर से ऐसे सिंपल उठाते जाए और ऐसे इसको सीते जाए। फिर नेक्स्ट इधर हो गया, फिर इधर, इस तरह मैं ये सारे ऐसे देखें, इस तरह मैं ये सारे ऐसे सी लेती हूँ। ये देखें, ये मैंने पॉकेट सी ली है ये, और ये इसकी ऐसे बैक साइड। ठीक, अब इसी तरह मैं दूसरी भी सी लूँगी। ये देखें मेरे 1-2 ये फ्रंट पैनल इस तरह कंप्लीट हो गए। अब आती है बैक साइड, बैक साइड भी मैंने बना के रखी हुई है, क्योंकि ये मैंने क्या किया, इसके मैंने 145 ये मैंने 145 स्टिचेस डाले हैं। ये आपको मैं बताती हूँ कैसे, यहाँ से यहाँ तक 11 स्टिच का ये होता है, फिर यहाँ से यहाँ 11 आपने मैंने सारे डालने के बाद ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टाइम जब 11 किया तो ये 132 हो गए। उसके बाद ये मुझे 7 ये मेरी एंड पे बनी, क्योंकि दोनों साइडों से मुझे इक्वल लेके आना था, उस साइड से यहाँ से भी और इधर से भी मैंने 3-3 डाले हुए। ये टोटल 145 को मैंने इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया कि 3 किए, फिर मैंने केबल डाल ली, इस तरह डालती गई। टोटल केबल कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 टाइम ये केबल मेरी इस तरह रिपीट हुई है, और उसके बाद 3 फिर इस साइड से है। आपने जब इसी तरह उसी को इसकी बनाते जाने जाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी फ्रंट पे जो मेरी लेंथ थी, जब ये होगी कंप्लीट तो फिर मैंने इधर से भी उसी तरह स्टिच को कम करना शुरू कर दिया। यहाँ पहले मैंने 3 कम किए, 2 कम किए, 1 कम किए, फिर इसी तरह जैसे फ्रंट पे मैंने अप टू 17 इधर से कम कर लिए और 17 ही मैंने इधर से कम कर लिए। करने के बाद मैं इसको बनाती चली गई। फिर मुझे ऊपर से इसके लिए नेक के लिए कटिंग करनी थी, इसकी मुझे बैक साइड थी, इतनी डीप कटिंग नहीं करनी थी क्योंकि मुझे कॉलर बनाना था। हम देखते हैं यहाँ से मैंने कितने इंच पे इसकी कटिंग की है। अगर मैं आप यहाँ से लेती हूँ, यहाँ से मैं करती हूँ ये तकरीबन, ये देखो 24.5 पे मेरी इसकी कटिंग हुई है। टोटल ये 26 इंच की लेंथ का है। जब 24.5 पे आप आओ तो इसकी कटिंग करनी है। उसके लिए या तो आप केबल भी इसको काउंट कर लो, हम केबल काउंट कर लेते हैं कितने के टाइम के बाद मैंने इसकी कटिंग शुरू कर दी थी। 1, 2, 3, 53 टाइम ये मेरे ये जब पैटर्न रिपीट हो गया तो ये मैंने कटिंग की। कटिंग का ये किया कि मैंने मिडल में ये सबसे पहले 25 कम कर लिए हैं, उसके बाद मैंने इसके 3 कम किए, फिर 1-1 करके कम किया 5 इधर। पहले सबसे पहले मैंने 25 कम कर लिए, फिर इसको 3 कम किया, फिर मैंने 1 कम किया, फिर मैंने 1 कम किया, इसी तरह 3 कम किए, 1 कम किया, 1 कम किया। मैं ये आपको लिख भी देती हूँ करने के बाद। और ये यहाँ से मेरे शोल्डर के लिए 38 रह गए, और ये मेरे स्लीव्स के यहाँ से मैंने 17 कम किए हुए हैं जी। ये 145 मैंने स्टिच डाले थे, जैसे 3 मैंने बताया वो, उसके बाद मैंने 7 की केबल, 4 का डिज़ाइन, 7 की केबल अप टू 13 टाइट 13 केबल्स मैंने जो आप मेरे ख्याल में काउंट की हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 टाइम ये पैटर्न रिपीट होने के बाद फिर एंड पे
थ्री आ जाना है। ये तो आप इसको आसानी से डिस्ट्रीब्यूट करके बनाते चले जाओगे। उसी तरह शोल्डर मैंने जो कम किए हैं, जैसे मैंने फ्रंट के आपको कम करके बताए, 17 इधर कम होंगे, 17 इधर हो कम होंगे। अब बाकी नेक, नेक यहाँ पे जब मेरा 24.5 इंच तक ये लेंथ मेरी बन गई थी, तो फिर मैंने यहाँ पे 25 स्टिच सबसे पहले कम कर लिए, फिर यहाँ तीन कम किए, वन कम किया, फिर वन कम किया, और इसके बाद ये मेरा 38 बच गए। इस तरह यहाँ पे तीन कम किए, वन कम किया, वन कम किया, जब किया तो ये मेरे शोल्डर के यहाँ भी 38 बच गए। ठीक, और ये मेरी पूरी लेंथ 26 इंच बैक की मैंने तैयार कर ली। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये टोटल 26 इंच। यहाँ से शोल्डर से जब हम करते हैं, इसको करते ले आओ, वहाँ से खिंच पड़ गई थी थोड़ी सी, यहाँ से जब मैं इसको रिलैक्स फॉर्म में इसको इस तरह लाती, इस यहाँ से अगर मैं इसको इसको लाती हूँ रिलैक्स में, तो ये देखें रिलैक्स फॉर्म में जब मैं इसको करती हूँ तो ये 26 इंच पे 26 मेरी इसकी भी लेंथ हुई हुई है। अब ये मेरे फ्रंट दो पैनल और बैक पैनल रेडी हो गया। ये मैंने स्लीव्स भी बना के रखी हुई हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जैकेट को आप हर चीज़ उसकी नहीं बना सकते। बस मैं आपको उसकी कैलकुलेशन देना चाहती हूँ, जिनको ये स्वेटर बनाना आता है तो वो डेफिनेट इनको अंडरस्टैंड कर लेंगे ये मैंने कैसे बनाई है। ये स्लीव्स मैंने इसके 55 ये देखें 55 मैंने इसके 55 स्टिच इतने मैंने इसके डालने के बाद उसी तरह ये मैंने दो सिलाइयाँ, दो या तीन सिलाइयाँ सीधी सीधी डालने के बाद पैटर्न शुरू कर लिया, डिज़ाइन शुरू कर लिया, जैसा कि मैंने आपको सिखाया है। उसके बाद जब मैं तकरीबन इतना 2 इंच तक आप कह लें, उसके बाद जब तकरीबन ये यहाँ से बढ़ना शुरू, तकरीबन आप कह लो कि तकरीब यहाँ 2 इंच तक जब मैंने बना लिया था, तो मैंने इधर से स्टिच बढ़ाने शुरू कर दिए हर छठी सिलाई पे। वो कैसे, या यहाँ सिलाइयाँ देख लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलाइयाँ डली, आठ टाइम ये यानी कि 16 सिलाइयाँ डली हैं, और मेरे फिर मैंने स्टिच बढ़ाना शुरू कर दिए। मैंने यहाँ पे एक बढ़ा लिया और इसी तरह मैंने इस साइड पे बढ़ा लिया, फिर 1 2 4 के बाद जब मेरी 6 सिलाई स्टार्ट होने लगी थी तो फिर मैंने बढ़ा लिया, फिर 1 2 के बाद एवरी 6 सिलाई के बाद मैं ये स्टिच बढ़ाती चली गई। 6 सिलाई के शुरू में यहाँ मैंने बढ़ाया, फिर ये दो टाइम ये करने के बाद फिर बढ़ा लिया ये, ठीक है। बढ़ाते बढ़ाते सारी 6 सिलाई के स्टार्ट में जब मैं यहाँ तक आई तो ये 103 हो चुके थे। ये मेरे स्टिच जो थे, मुझे लेट मी चेक अगेन, मैंने लिखे थे, कहाँ लिखे थे, हाँ जी, ये मैंने यहाँ बताती हूँ, ये मैंने 55 से जब मैंने शुरू किया, सॉरी 55 से मैंने स्लीव बनानी शुरू की, बॉड 2 4 सिलाइयाँ डालने के बाद मैंने उसको डिज़ाइन को शुरू कर लिया। डिज़ाइन में कितनी केबल्स पड़ी हैं ये देखें, सिर्फ मैं 1 2 3 4 5 केबल मेरी मैंने डाली, एक मिडल में, और आप इस तरह कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ से मेरे ख्याल में 2 स्टिच ही इधर बचे हैं, 2 के बाद ये केबल डाली, फिर ऐसे 4 7 की केबल, 4 इस तरह बनाती चली गई। जब मैंने तकरीबन 2 इंच बना लिया तो मैंने यहाँ पे 1 के 2 स्टिच कर लिए, इस सिलाई पे मैंने स्टिच बढ़ाया, ठीक। अगली उल्टी सिलाई मैंने वैसे ही डाली, फिर सीधी सिलाई डाली, फिर उल्टी डली, फिर सीधी डली, फिर उल्टी डली, फिर जब मेरी सीधी डलने लगी थी तो फिर मैंने 1 के यहाँ 2 कर लिए, यानी कि मिडल में 1 2 3 4 5 के बाद 6 सिलाई स्टार्ट होने लगी थी, फिर बढ़ा लिए। इस तरह फिर उल्टी बनी, फिर सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी जब होने लगी थी तो फिर 1 के 2 कर लिए, 1 2 3 4 5 6 सिलाई के स्टार्ट में। इसी तरह मैं बनाती चली गई। ये मेरे 55 यहाँ पे मेरी यहाँ तक जब स्लीव बनी तो ये 103 स्टिच यहाँ अब हो चुके हैं, 103 स्टिच। और इसकी यहाँ तक लेंथ कितनी थी ये आप अपने हिसाब से
आपको जितनी लेंथ चाहिए आप करें। ये एक मैंने स्टैंडर्ड साइज की लेंथ बनाई है, यहां से जहां तक जब मैं काउंट करती हूँ तो ये 18 इंच लंबी हो चुकी थी, ठीक है ना, 18 इंच की लेंथ हो चुकी थी। करने के बाद फिर मैंने क्या किया कि मैंने इसकी कटिंग शुरू कर दी, 3 इधर से कम किए, 3 इधर से साथ साथ, फिर 3, फिर 3, 3 3 करके मैं इसको कम करती चली गई अप टू यहाँ तक। ये कितने टाइम मैंने 3 3 कम किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 टाइम जब मैंने कर लिए तो फिर 12 के स्टार्ट पे मैंने सारे बंद हो गए, ठीक। इसके बाद फिर मैंने यहाँ से 3 इधर कम किए, 3 इधर कम किए, इस तरह इसकी शेप आ जाएगी, ठीक। 3 3 कम करके 3 करते चले जाएंगे, 11 टाइम इतने आपने दोनों तरफ से कम करनी है। इधर से भी हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 के बाद ये 12 पे सारी कटिंग बंद हो गई और फिर मैंने सारा एक दफ़ा ही ये बंद कर लिया। और इस तरह करने के बाद इसकी कितनी टोटल लेंथ होगी, पहले तो यहाँ से कटिंग से पहले 18 इंच तक लेंथ हुई थी और अब ये टोटल कितनी लेंथ हो चुकी है ये भी देखते हैं। ये यहाँ से जब मैं स्टार्ट करती हूँ इसको तो ये मेरी 22.5 आप कह लें, नियरली आप 20 इंच कह लें, 20 इंच खुली डुली 20 इंच बन गई है ये। अगर आपने लंबा करनी है लेंथ को तो आपने यहाँ से बिफोर कटिंग आपने इसको लेंथ को लंबा कर लेना, अगर 22 23 जो भी आपको चाहिए होगी, ठीक है लेंथ। और उसके बाद आपने इस तरह इसकी कटिंग करनी है ऐसे राउंड। अब ये, अब जब मैं ये सीलूंगी तो इसको फिर बाजू, इसी तरह मैंने ये दोनों बाजू बना लिए हैं और अब मैं इनके स्लीव, इनके शोल्डर और बाद में स्लीव सीलूंगी तो फिर हमारा सिर्फ कॉलर रह जाएगा, हम उसके लिए स्टिचेस उठाते हैं। देखिए मैंने यहाँ से इनके शोल्डर को आपस में सी लिया और इस तरह सिया है कि उनके डिज़ाइन आपस में इस तरह मैच करें, ठीक। और ये मेरा ऐसे जुड़ गया है ये पॉकेट और ये दूसरा पैनल, इस तरह ये मेरी जैकेट के फ्रंट और बैक ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे जैकेट और ये नेक, ये गला दोनों साइड से जुड़ गए, ठीक है। अब मुझे यहाँ से स्लीव्स को भी जोड़ना है, स्लीव्स का मैं ये करूँगी, ये देखिए ऐसे मैंने स्लीव्स रखूँगी, रखने के बाद मिडल में बिल्कुल इसका जो स्लीव्स का मिडल है ऐसे, इनको मैं इस तरह यहाँ सेफ्टी पिन लगा दूँगी। ये वाला डिज़ाइन जो है ना ये इसका मिडल आ रहा है ऐसे, ताकि वो जब सीए तो वो बराबर फिट सिले। करने के बाद इसको देखें, यहाँ से जब मैं ऐसे इनको सीऊंगी, ये देखें यहाँ से सिलते सिलते यहाँ से ऐसे मैं ये बिल्कुल ऐसे जब सिलेगा तो ये बिल्कुल ऐसे ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे बन जाएगा। यहाँ से ऐसे सिलते सिलते ये बिल्कुल बराबर आ जाएगा जब मैं सीऊंगी, ठीक। इस तरह मैं दोनों तरफ से स्लीव भी सीलूंगी, लेकिन स्लीव सीने से पहले ये मैं हम लोग कॉलर बना लेते हैं, कॉलर के लिए स्टिच उठा लेते हैं जैसे ये, क्योंकि हैवी हो जाएगी, उससे बेटर है कि हम पहले कॉलर बना लें। हम 125 स्टिच डालेंगे, आई थिंक वो इनफ होंगे। उसके लिए हम ये करते हैं कि ये देखें यहाँ से मैंने ये जो मेरा बटन होल है उसके बिल्कुल साथ से मैंने एक स्टिच उठा लिया। अब देखते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक कितने स्टिच होते हैं, और सॉरी एक दो तीन चार पांच, थोड़ी थोड़ी गैप के पास पास बनाते जाए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 20 ओके 30 हो गए 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ये पूरे 38 मेरे इस साइड पे स्टिच डले हैं 38 ही मैं इधर से लेके यहाँ तक डालने की कोशिश करूँगी क्योंकि कलर दोनों साइड से इक्वल लगे दूसरी साइड से अब बैक के अब मुझे चाहिए 125 38 मैंने डाल लिए हैं 38 दूसरी साइड के होंगे ये टोटल हो जाएंगे 676 ये 76 हो गए मुझे चाहिए 125 में से 176 निकालूंगी तो 15 में से 6 निकाले 9 11 में से 7 निकाले तो 3 11 में से 7 1 2 3 4 नहीं 4 सॉरी 4 4 अब मुझे बैक के 49 डालने हैं यहां से यहां तक मुझे 49 स्टिच उठाने हैं और फिर वापस मैं 38 स्टिच उठाऊंगी यहां से ठीक है मैंने 125 स्टिच उठा लिए हैं 38 इधर से 38 इधर से और यहाँ जो मिडल ये जो शोल्डर की शोल्डर 49 उठाए गए हैं ठीक है ना अब मैं यहाँ से सारे पहले तो सीधी सिलाई ही डालती चली जाऊँगी सीधा सीधा ऐसे उठा ऐसे सीधा सीधा बनाने लग गई हूँ ऐसे ऐसे मैं ऐसे ही बनाती चली आ रही हूँ जी मैं यहाँ से सीधी सीधी सिलाई डालते हुए आगे यहाँ जो मेरे 42 42 स्टिचेस पे आई तो मैंने यहाँ एक मार्क कर लिया करने के बाद ऐसे यहाँ पे सीधे सीधे बनाती चली गई और इधर से ये मेरे सॉरी इधर से मेरे ये 42 अभी लेस है लेकिन मैंने अब यहाँ तक बनाया ना और यहीं से फिर मैं ये बनाऊंगी नहीं इसको मैं अभी ऐसे ही लीव कर देती हूँ इधर से ही मैंने इस मार्क तक 42 तक उल्टी सिलाई डालनी है ठीक इसको हम ऐसे सिंपल इसकी मैं इधर से ही वापस ऐसे उठा के आगे करके इसका उल्टी सिलाई बनाना शुरू कर दूंगी ऐसे ये मार्क तक बनाऊंगी ये मैं मार्क के पास पहुंचने वाली हूँ ये और मैंने यहीं से वापस हो जाना है इस मार्क को यहीं रह के यहीं से मैंने वापस हो जाना अब फिर मैंने सीधी सिलाई डालनी है यहाँ मैंने मार्क नहीं लगाया वैसे मुझे यहाँ मार्क लगाना चाहिए था यहाँ मार्क यहाँ तक मैं वैसे ही सीधी डालती हूँ मैंने सीधी सिलाई बनाते हुए यहाँ ये देखें यहाँ तक था यहाँ मुझे मार्क नहीं लगाया था मैं भूल गई थी लेकिन अब मैं लगाती हूँ ठीक है ना अब यहाँ से हमने इनके 8 को और ऐड कर लेना है यहाँ से मैं 1 2 3 4 5 6 7 and 8 8 मैंने ऐड करके और यहाँ मैं मार्क लगा लूँगी ताकि नेक्स्ट टाइम निशानी रहे ठीक अब हमने इधर से ही वापस मैंने यहाँ तक बनाना है जब यह मैं आऊँगी तो यहाँ फिर से मैंने 8 इसको ऐड कर लूँगी ठीक अभी तो मैं उल्टा बना पल बनाते बनाते आ रही हूँ उल्टी सिलाई ऐसे और फिर मैं वहाँ उसको फिर ऐड करती हूँ ऐसे देखें ये मैं यहाँ आ गई हूँ अब यहाँ से मैं ये मार्क निकाल के 8 इसके साथ ही उल्टे बना लूँगी 1 2 3 4 5 6 7 and 8 ठीक 8 होने के बाद फिर मैं इसको मार्क की निशानी के लिए लगा देती हूँ अब यहीं से फिर मुझे सीधा सीधा बनाते हुए
सारा सीधा ऐसे बनाते बनाते मुझे यहाँ जब आऊँगी तो यहाँ फिर मैं 8 और ऐड कर लूँगी हैं, 8 ऐड करके फिर वापस आऊँगी यहाँ से, फिर मैं यहाँ से फिर 8 ऐड कर लूँगी। इस तरह मुझे 8-8 करके इनको जमा, इसको साथ साथ ऐड करते जाना है, और पीछे से कॉलर बड़ा बनेगा और आगे से छोटा बनेगा, और पीछे से जब कॉलर पहना होगा तो उसकी शेप बहुत अच्छी बनेगी। फिर अब मैं इसको ऐसे करने के बाद यहीं से मैं इसको फिर 8 बनाना शुरू, ऐसे सीधे सीधे बनाती आती हूँ, बना के यहाँ पे मैं 8 को और ऐड कर लूँगी जी। ये देखें मैं इस तरह 8-8 करते हुए ये सारे ऐड करते करते यहाँ पे आ गई हूँ, ठीक है ना। ये अब मैं इस दफ़ा ये करूँगी कि सारे इकट्ठे ही बना लूँगी, 8 और नहीं ऐड करूँगी, जितने रिमेनिंग हैं उनको मैं इकट्ठा ही इस कॉलर में बना लेते, इसके साथ यहाँ निकाल लेते हैं और ये इकट्ठा ही बना लेते हैं। ये एक, दो, तीन एंड 4, ओके ये। अब ये करूँगी मैं सारा सीधा सीधा बनाते हुए, यहाँ पे जब आऊँगी तो इनको सारों को भी कार में इकट्ठे ऐड कर लूँगी, तो ये देखिए एक अच्छा सा बैन बन जाएगा। इसके बाद हमारा कॉलर शुरू होगा। अभी ये कॉलर से पहले का मैंने ऐसे बैन सा बनाया है ना, उसे जब फिर जब कॉलर टर्न होगा तो वो बहुत खूबसूरत बैठता है। ये मैंने देखें सारा, अब मेरे सारे 120 के 25 स्टिचेस अब हो गए। अब मैं थोड़ी सी मेरे ख्याल में 6-7 सिलाइयाँ ऐसे सीधी उल्टी डालती हूँ, उसके बाद हमने ये वाला पैटर्न दोबारा डालना है कॉलर पे, ठीक है जी। ये देखें मैं इतना बना चुकी हूँ यहाँ पे, 1, 2, 3, 4 टाइम ये 1 हो गए, 4 जो मैंने डाले बैक से, इतना हो गया ठीक। अब हम यहाँ मेरा धागा उल्टी साइड पे है, यहीं से हम जो डिज़ाइन डालना है उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। पहले 4 तो हम ये 1, 2, 3, 4 साइड के बनाएंगे, ठीक। फिर मुझे 7 मैंने उल्टे बनाने हैं जो कि दूसरी तरफ डिज़ाइन के लिए सीधे हो जाएंगे। 3 नहीं, कितने हो गए, हाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 4 सीधे, इस तरह 4 सीधे 7 उल्टे करते करते पूरा ये कंप्लीट करते हैं जी। ये मैं एंड तक पहुंच चुकी हूँ। अब मेरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये एंड के 4, 3 एंड 4 ठीक, सॉरी 4 ठीक। अब इस साइड से हमने इसको पैटर्न डालना शुरू करते रहे, केबल वाला ही 2, 4 तो मैंने ऐसे बना लिए ठीक। अब मैं 1, 2 बनाऊंगी, इस थर्ड वाले को जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया 1 के 3 का लिए, ये मैं वैसे ही पिक कर लूँगी, फिर 1 ऐसे, फिर 1 एंड 2 ओके। इसी तरह पैटर्न जैसे बताया उसके हिसाब से हम अब इसको उसके इस कॉलर को बनाना शुरू कर देंगे जी। ये देखें मैंने कॉलर के 1, 2, 3, 4 टाइम डिज़ाइन को रिपीट करने के बाद ये मैंने 1, 2 जब 4 सिलाई डालनी तो उसके बाद ये मैंने इसको बंद कर दिया। ये हो जाएंगी मेरे हमें 6 सिलाई पे ये बंद हो गया है कॉलर। और इस वक्त कॉलर की मैं आपको बता देती हूँ ये कितना यहाँ से लंबा चौड़ा बना है, ये इधर से आप देख लें को 1/2 है यहाँ से, और फ्रंट से ये तकरीबन 3 इंच है, यानी कि ये 1.5 इंच का फर्क पड़ा है। उससे ये होता है, मैं आपको दिखाती हूँ उससे क्या होता है, जब आप ये ऐसे बंद करते हो कॉलर को, ये मैंने इसको सी लिया, जब आप ऐसे इसको बंद करोगे ऐसे बैक साइड पे ये सादा सादा है अंदर की साइड पे, और ये ऐसे, और ये ऐसे जब बटन लगेगा ऐसे, ये देखें
तो कॉलर यहाँ से ना वैसे वी की तरह इतना अच्छा सा आया है, वरना यहाँ इसने कॉलर ने यहाँ पे होना था। अगर 1.5 इंच हम वैसे ही बनाते जैसे बनाया तो कॉलर ने यहाँ तक आना था, बड़ा सा ऐसे। वो इतना स्मार्ट नहीं लगता जितना ये लगता है। और बैक से आप देखो तो ये देखिए कॉलर बिल्कुल पूरा है, ठीक। इससे पूरी गर्दन कवर होगी। और मेरी एज की, क्योंकि ये मैंने अपने लिए बनाई है, तो मेरी एज के लोगों के लिए ये शोल्डर और गर्दन ये कवर करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और ये मैंने स्लीव्स भी यहाँ तक सी ली हैं, ये देखें। और अब मैं बस यहाँ से इधर से सिलाई करूँगी और ये साइड सिलाई करूँगी और ये मेरा तैयार हो जाएगा, ये जैकेट मेरी तैयार हो जाएगी। उसके बाद इसके बटन लगा लेंगे। तो अच्छा, आप इजाज़त दें।